और लोगों को भी नेक रास्ते पर लेके जाओगे, दिखाए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं। सबसे बेस्ट चीज है ये, रिलैक्स्ड रहो, जस्ट ईट योर मील एंड देन यू कैन डोनेट द ब्लड। चुनाव का पर्व भी है ना, एक ये सोशल वेलफेयर के अकॉर्डिंग होती है। अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो आप सोशली खुद को एक्टिव बना रहे हो, आप ये चीजें करके दूसरों को भी जागरूक कर रहे हो कि हाँ भाई वो लोग भी ये चीजें करें। अगर आप रक्तदान कर रहे हो, ये ब्लड किसी की भी जान को बचा सकता है। इन फ्यूचर आपको भी रिक्वायरमेंट कभी ना कभी आती है, ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होता है। उसके बाद मतदान कर रहे हो, मतदान से बेनिफिट ये है आप अपने हिसाब से अपने लिए जो बेस्ट कैंडिडेट है उसको चूज कर रहे हो, सो दैट वो आपके बेनिफिट्स के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। माता जी का पूरा नाम राममूर्ति देवी था और बहुत ही मिलनसार थी। हम इनके पास आते जाते थे, बहुत ही बड़े आदर भाव से कोई भी आया गया सबको बड़ी इज्जत मान सम्मान देना। जो इनके रास्ते पर दिखाए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं और इनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। देखो मेरा तो यही मानना है कि प्रत्येक नागरिक को अपना वोट जरूर दे, अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो। राष्ट्र के निर्माण के लिए एक वोट बहुत ही मायने रखती है। बहुत ही विशाल रक्तदान शिविर, चुनाव का पर्व, देश का गर्व अभियान के तहत हमारे चुनाव इलेक्शन कमीशन ने एक स्वीप जो कार्यक्रम है उसको लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से जितने भी युवा मतदाता हैं, जो ज़्यादातर हमारे ब्लड डोनर भी होते हैं, तो उन ब्लड डोनर तक हम चुनाव में अपनी भागीदारी, अपने राष्ट्र निर्माण में अपने रोल को कैसे निभाना है, वो उनको चुनाव में अच्छे कैंडिडेट का चुनाव कर हम अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। पार्टी कोई भी हो, लेकिन हमें अपने क्षेत्र में हमारे विकास कार्यों में जो सबसे ज़्यादा अग्रणीय हो उनको ही हमें चुनाव करना चाहिए। और हमें याद होना चाहिए कि एक एक वोट के ऊपर या एक सीट के ऊपर हमारे देखा है प्रधानमंत्री का चुनाव गिरते हुए, एक प्रधानमंत्री का जो चयन है उसमें कई बार एक वोट से भी हमारे देश में प्रधानमंत्री बदले हैं, तो एक वोट का मतदान में महत्व होता है। यही कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में आपको सबको मतदान करने का अधिकार है और आप मतदान करें, आप किसी को मतदान मत करें लेकिन मतदान के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि मतदान हमारा अधिकार है, हमें मतदान जरूर करना चाहिए। माता जी का नाम राममूर्ति देवी जी है और ये शुरू से ही बड़ी कर्मठ और मेहनती रही हैं। इन्होंने बहुत मेहनत कठिन परिश्रम करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है और ये नेक कार्य जितने भी सामाजिक कार्य हैं उनमें बढ़ चढ़ के भाग लेती थी और हमें भी प्रेरित करती थी कि आपको भी बेटा आगे आना चाहिए और ऐसे सामाजिक कार्य करने चाहिए, क्योंकि अगर सामाजिक कार्य आप करोगे तो आप और लोगों को भी नेक रास्ते पर लेकर जाओगे और उन्हें रास्ता दिखाओगे अच्छा, क्योंकि आजकल के युवा हैं जो नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। हम मैं सबसे यही अपील करूँगा कि नशे से दूर रहें। माता जी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर लगवाया था और इस साल भी लगवाया है और आगे भी ऐसे ही लगाते रहेंगे। सुबह से अब तक कम से कम 150 रक्तदाताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन बड़े शहर स्वीकार किया है और आगे भी समय समय पर जैसे कैंप लगेंगे ऐसे ही रक्तदाताओं की संख्या बढ़ती जाएगी और बड़े शहर से इन्होंने रक्तदान देना स्वीकार किया है। पहले तो ऐसा है ना, ब्लड डोनेट तब से स्टार्ट किया तब से मतलब हेल्दी भी रहने लगा, पहले तो मोटे ही नहीं होते थे, अब तो मतलब बहुत बढ़िया हो गया। सबसे बेस्ट चीज़ है ये, यदि शरीर में कोई दिक्कत हो वो भी ख़त्म हो जाती है। ब्लड डोनेट टाइम से करो, 3-4 महीने का गैप दे के कंटिन्यू करते रहो। मैं डॉक्टर सिमरन भैया, ब्लड डोनेशन कैंप आज हमने यहाँ पे झज्जर चुंगी में लगाया हुआ है, ठीक है। सो एज यू नो कि ब्लड की नीड हर एक ऑपरेशन थिएटर में या कोई भी ट्रॉमा होता है तो पड़ती है, सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि सब लोग ब्लड डोनेट करें जो कर सकते हैं। प्लस जो भी लोग आते हैं दे विल गेट टू नो अबाउट कि वो फिट है या अनफिट है, तो आई थिंक सबको डोनेट करना चाहिए। इट वुड टेक जस्ट 10 to 15 minutes टू डोनेट द ब्लड एंड इट वुड हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ लाइव्स। आई थिंक उनको आके ऑब्जर्व करना चाहिए पहले, ठीक है। तो आप खाना प्रॉपरली खाओ और अगर आपको नीडल्स से स्पेसिफिक फोबिया है तो मत करो, बट आप देखो। सो इट इज़ नॉट अ वेरी इवेजिव प्रोसीजर, बस 10-15 मिनट लगेंगे
ठीक है, तो रिलैक्स रहो, जस्ट ईट योर मील एंड देन यू कैन डोनेट द ब्लड। कौन कौन सी बीमारियों में रक्तदान किया जा सकता है? रक्तदान, एक तो अगर आपका कभी भी कोई हार्ट ऑपरेशन हुआ है या आपको दौरे की शिकायत थी कभी भी, तो आप डोनेट नहीं कर सकते हो। कोई दवाई चली है आपकी हार्ट की, एंटीप्लेटलेट्स चले हैं, कोई सर्जरी हुई है, तो एक साल तक आप डोनेट नहीं कर सकते हो। अगर कोई सर्जरी हुई है मेजर, तो एक साल तक नहीं कर सकते हो। बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं इसमें, कब आप डोनेट कर सकते हो और कितने टाइम के बाद कर सकते हो। अगर आपको टाइफॉइड हुआ है जैसे, तो आपको एक साल वेट करना पड़ेगा। कोई टैटू बनवा रखा है आपने, देन ऑल्सो यू हैव टू वेट फॉर 1 ईयर, क्योंकि वो इंक आपके ब्लड से कम्प्लीटली जाने में एक साल का समय लगेगा। चुनाव का पर्व देश का।